चलिए दोस्तों चलते हैं हनुमानगढ़, जहां पर भटनेर मेला हो रहा है। और भटनेर मेले में दो दंत नुकरा बछेरा की प्रतियोगिता हो रही है, शोरिंग हो रहा है। और यहां पर हम विजेता जो किंग है उनके मालिक से भी इंटरव्यू लेंगे और किंग की स्टाइल्स भी देखेंगे, वो कितना एक्टिव है और क्यों उसको फर्स्ट प्राइज मिला। शरीर रोहिता पुत्र मनभोल निवासी जोड़किया जिला सिरसा हरियाणा से, ये तीसरे नंबर पर बछेरा रहा है। दूसरे नंबर पर जो बछेरा रहा है वो है 1202 नंबर श्री हरमीत सिंह सुंदरपुरा श्री गंगानगर से। हरमीत सिंह सुंदरपुरा गंगानगर से ये दूसरे नंबर पर रहा है। सामने सेकंड नंबर विनर, फर्स्ट नंबर पे इस कैटेगरी में जो बछेरा रहा है वो है 1203 नंबर श्री बलजीत सिंह दोराहा लुधियाना से। बलजीत सिंह दोराहा लुधियाना से इनका जो बछेरा है वो पहले नंबर पे रहा है। ही रहेगा ये तो रुकेगा रुकेगा नहीं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी है जी। सनी जी, तो कहाँ से पधारे आप? मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और टाउन हमारा दोहरा है जी। दोहरा जी। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से लिया है? ये मैंने फ्रेंड से परचेज किया था जी। अच्छा, ये जब 3 महीने का था तब मैंने परचेज किया था। अभी इसके 32 महीने तो बहुत अच्छा आपने उसको डेवलप कर लिया है। अच्छा, और ये आपने किस पर्पस से खरीदा? बीटिंग पर्पस से? नहीं, हमें शौक है जी। शौक? हाँ जी। अच्छा, से बीटिंग नहीं करने का? जो चलेगी वो तो ठीक है, कोई बिजनेस के पर्पस लिए नहीं है जी। ये नूरा घोड़ा कहाँ का है? नूरा घोड़ा बेसिकली चंडीगढ़ के पास एक मोहाली है जी। वो मोहाली का है जी नूरा। उसका अच्छा। फादर है सगू। अच्छा, अभी है नूरा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है जी, यंग स्टालियन है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, और आपको कैसे ये शौक आया कि सब लेना है? क्या ऐसे हम गाय भैंस तो रखते हैं बहुत देर से। हाँ। तो ये घोड़ा लिया था ये 2009 में। हाँ। 2009 में लिया था, तब से हम रख रहे हैं जी। अभी हमारे पास 14 हैं टोटल। घोड़े आपको? हाँ जी, 14। अच्छा। हाँ। तो पहले गाय भैंस थे आपके? हाँ जी। फिर घोड़े में कैसे है, मतलब कैसे लगा? इंटरेस्ट आया जब मेले मुले देखे तो इंटरेस्ट आ गया जी, रख के देखा एक से बढ़ते 14 हो गए जी। अच्छा, तो क्या करते हैं मेनली घोड़ों में, क्या करता है, बिजनेस है या शौक के लिए? शौक के लिए 14 घोड़े रखे हैं हम। इनसे इनकम नहीं करते? इनकम नहीं करते। हाँ। हम इसको शौक से पूरा करते हैं, जो घर में बच्चे हैं वो पल रहे हैं बस। अच्छा। हाँ। तो कौन कौन से घोड़े हैं, नस्लें कौन कौन सी हैं? ज्यादातर हमारे पास नुकरा है जी, के इंपोर्ट घोड़ी है हमारे पास, थोरोब्रेड है और मारवाड़ी में भी है जी। नुकरा, थोरोब्रेड और मारवाड़ी। हाँ जी, तीनों हैं जी बस। कौन सा अच्छा लगता है वो घोड़ा? वैसे बेस्ट
बेस्ट तो ये नुकरा ही है जी। नुकरा लगता है, व्हाइट अच्छा है जी। अच्छा, कलर के हिसाब से व्हाइट लगता है। अच्छा, और वैसे भी ब्यूटी पर्पस के लिए हम यही अच्छा लगता है। तो मारवाड़ी का तो पता नहीं है जी, वो क्या चल रहा है, कल नहीं चलेगा, उनकी कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है जी, ये दिक्कत आती है उसमें। नहीं तो फिर रखने तो शौक के लिए है, मेले में जाएंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आती जी क्या पसंद करते हैं जज। कभी बोल देते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक ये है, ये कभी बोल देते हैं ये है, कोई डिमेंशन तो है ही नहीं किसी के पास इसकी। इस चक्कर में थोड़ा उसमें इंटरेस्ट कम है। सही है, ये इतना अच्छा है घोड़ा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा घोड़ा, देखिए इतना एक्टिव घोड़ा, यात्रा करने के बाद तब भी इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा घोड़ा। देखिए देखिए, तो आपके पास और कौन कौन से घोड़े हैं? मेरे पास एक बॉस नाम का घोड़ा है जी, बहुत अच्छा, डेली हम उस पर 40 किलोमीटर की राइड करते हैं जी। वो नुकरा नहीं, मारवाड़ी है जी बेसिकली। अच्छा। तो वो आलीशान, शानदार और देवशान, देवशान के बाद अपना बच्चा है जी। अच्छा, उसकी ब्लड लाइन ये है हमारे पास। एक हमारे पास बच्ची है जी, 5 कल्याण गोल्डन स्टार की है जी। अच्छा। रत्नागर राज गोल्डन स्टार। हाँ। पीछे उसकी मदर बारबर से है जी। अच्छा। तो ये है जी अपने पास नुकरा। हाँ। एक नुकरी घोड़ी है जी हमारे पास गुलजार लाइन की। हाँ। और एक हमारे पास प्रिंस डोड वाले का बच्चा है जी। अच्छा। और एक अली का बच्चा है जी। तो काफी है जी बच्चे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।